हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है और इस प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है और इस तरीके से इसके लच्छों को हाथ से खोल लिया है। अब ये ले लिए हैं मैंने दो गाजर, इनको मोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते आज वो ये रेसिपी को बहुत ही शौक से खाने वाले हैं। ऐसी मज़ेदार रेसिपी हम बनाकर तैयार करेंगे। अब ये ले लिया है मैंने एक बड़ा आलू, इस तरीके का हमें कद्दूकस लेना है मोटा सा, इससे हमें इसके पतले पतले स्लाइस कट कर लेने हैं। ये डाल दिया है मैंने नमक, आप सभी को पता है कि सब्जियां पानी छोड़ती हैं, और अब नमक डाल के सारी सब्जियों को आपस में मिक्स कर देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं और ये काफ़ी मज़ेदार और क्रिस्पी सा नाश्ता बनके तैयार होगा। अब रख दिया है हमने ढक के, अब देख लेते हैं कुछ देर बाद, 10 मिनट बाद हमने चेक किया, उसमें डाला है हमने आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन, और ये आधा चम्मच धनिया, ये लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और ये ले लिया है हमने कुछ धनिया पाउडर आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये वही है जिससे हम नॉर्मल दाल चावल खाते हैं। ये आधा चम्मच हमने ले लिया है चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे इसमें नाश्ते में। और ये ले लिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने फ्रेश कूटा था। ये ले लिए दो तीन हरी मिर्च, और ये कुछ धनिए की पत्तियाँ ले ली हैं। अब ये सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे, और ये देखिए हमारी सब्जियों ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में हमें रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। कोई एक्स्ट्रा पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना। और देखिए ये सारी सब्जियाँ कितनी कलरफुल लग रही हैं। अब इसमें डालेंगे हम, कोई हमें बेसन नहीं डालना, इसमें डालेंगे हम चावल का आटा, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। अब ये मैंने 3-4 चम्मच डाल दिया है इसमें चावल का आटा, और ये डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, इससे हमारे नाश्ते में अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। और इन सारी चीज़ों को डाल के हम करेंगे मिक्स। अब ये हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है सारे को, और जितनी ज़रूरत लगती जाएगी हम उतना इसमें डालते जाएंगे चावल का आटा। अभी देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें अच्छी तरह से, इस तरीके का इसमें मिक्सचर होना चाहिए कि इसमें अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाए। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा मिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, और मैंने इसमें चावल का आटा मिक्स कर लिया है। अभी ये थोड़ा सा पतला था, अभी थोड़ा इसको ऐसे हम जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उस तरीके से इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, मैं आपको बॉल बना के दिखा रही हूँ, इस तरीके की बाइंडिंग होनी चाहिए इसमें नाश्ते में। आप किसी भी शेप में अपनी इच्छा अनुसार ये बना सकते हैं। मैं टिक्की किसी शेप में इस नाश्ते को बनाऊँगी, जैसे नींबू के आकार की बॉल्स लेनी है हमें, और ऐसे छोटी छोटी सी टिक्कियाँ, या आप पकौड़े की तरह भी बना सकते हैं। ये मैंने पहले ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक करके हमारा जितना कढ़ाई में स्पेस है हमें ये टिक्की सी छोड़ते जाएंगे। ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते अब वो बड़े शौक से इन्हें खाएंगे, बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आने वाली है। ये आप बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसको हम कुछ सेकंड तक तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम इनको पलट देंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम, हाई पे हमें बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से सिक जाएंगी। अब देखिए इस पे थोड़ा थोड़ा कलर आ गया, तो मैंने इनको पलट दिया है। ऐसे ही उलटते पलटते हम इन्हें सेक लेंगे सारी टिक्कियों को। और ये देखिए, ये काफ़ी क्रिस्पी सी हमारी ये टिक्कियाँ सिक के तैयार हो गई हैं, और इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है, काफ़ी क्रिस्पी हैं। देखिए ये अंदर से भी अच्छी तरह पक गई हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा। देखिए तेल भी हमारा एकदम साफ है, एक भी टिक्की हमारी टूटी नहीं है। अब दोबारा भी हम ऐसे ही टिक्कियों को सेक लेंगे।
इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को सेकेंगे। अब ये देखिए इसमें जितनी टिक्की आ जाएंगी उतनी हम छोड़ देंगे, इनको भी जैसे पहले वाली टिक्कियों को सेका था वैसे ही सेक लेंगे। अब देखिए ये हमारी टिक्कियाँ सिक्के तैयार हो चुकी हैं, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अब बारिश के मौसम में ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए, और बहुत ही इजी नाश्ता है, और आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ इसको सॉस के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है सॉस के साथ, चाय के साथ। तो आपको कैसी लग रही है ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक टिक्की मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी अच्छी सिकी है, और ये देखिए अभी गरम गरम है, इसमें से भाप भी निकल रही है। बहुत अच्छा नाश्ता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।